कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लेकर मरीज के मर जाने तक क्या कैसे स्टेजेस आती हैं, वो सारी की सारी स्टेजेस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मगर एक चेतावनी है साथ में, या तो पूरा वीडियो देखें या इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। आधी जानकारी आपके लिए घातक होगी, फिर दूसरों को आप गलत जानकारी देंगे। तो कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से लाखों लोग इन्फेक्टेड हैं, कई हजार लोग मर चुके हैं। इसका पहला स्टेज होता है संक्रमण, और ये जो संक्रमण है उसके बाद के अंदर कितने लोग मॉडरेट, कितने लोग क्रिटिकल और कितने लोग सीवियर जाते हैं उसके ऊपर पहले नजर बना लेते हैं, फिर इन्फेक्शन की बात करेंगे। तो ये गोला मैं 100 मरीज मान लेता हूं, 80% लोग ऐसे हैं जिनको सीरियस नहीं होता, सिर्फ मॉडरेट सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मॉडरेट सिम्टम्स का मतलब उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, मगर सीरियस तब नहीं कहलाते जब तक उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद के अंदर जो 15% लोग हैं, ये 80% और ये 15%, 80 और 15%, यानी कि 95% लोगों को लाइफ रिस्क नहीं रहता, वो माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स के साथ ही दिखाई देते हैं, जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। अब जो ये 5% लोग बच गए हैं, जिसको मैं लाल से डिनोट कर रहा हूं, ये 5% लोग ही केवल सीरियस हो जाते हैं। 100 में से 5 लोग ही जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके ऊपर लाइफ रिस्क रहता है। पहला दिन हम मानते हैं जब इन्फेक्शन होता है, किसी भी प्रकार से मरीज को इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि उसकी नाक या मुंह या आंखों के जरिए वो जो वायरस है वो अंदर पहुंच जाता है और अपना काम शुरू करता है, यानी कि day 1। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये दिखाई देंगे आपको फ्लू, जुखाम के एक ऐसे सिम्टम्स जो कि सामान्यतः होने वाली जुखाम से कुछ अलग है, आपको पता पड़ रहा है उन सिम्टम्स के बारे में। तो day 1 के ऊपर हो रहा है आपको इन्फेक्शन, और सिम्टम्स आने में कम से कम आपको 3 से 4 दिन लग जाते हैं, यानी कि इस इन्फेक्शन से और सिम्टम्स आने के अंदर day 5 लग जाएगा आपको। कुछ लोगों में दूसरे दिन भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को 4-5 दिन लगते हैं, कुछ लोगों को इससे ज्यादा भी समय लग जाता है, मगर सिम्टम आने के अंदर ऑर्डिनरीली 4 से 5 दिन दिखाई दे रहे हैं। तो day 5 को हमारे सिम्टम्स अपियर हो गए हैं, और अब हमें हॉस्पिटल्स जाने की जरूरत कब पड़ेगी? सिम्टम्स अपीयर होने के बाद में हालत खराब होने में इसमें बहुत ही कम समय लगता है, और अगले 2-3 दिन के अंदर पेशेंट को पता लग जाता है कि हॉस्पिटल जाए बिना उसकी पार नहीं पड़ेगी। यानी सिम्टम्स आने के 2 दिन के अंदर, यानी day 7 तक हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। फिर भी जो माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं वो इस समय तक सोच रहे होते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल जाना है कि नहीं जाना है। तो जैसा कि हमें पता है कोरोना वायरस लंग्स के ऊपर असर डालता है, और ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी कैनाल के ऊपर असर डालता है। इसके अंदर कोरोना वायरस बाहर से आपके अंदर संक्रमण पैदा करता है, और संक्रमण यहां पे इस तरीके से नया नया संक्रमण होते होते वो धीरे धीरे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है, और लंग्स के अंदर भी कोरोना वायरस आ जाता है। मगर इसको यहां तक आने में पूरा रास्ता संक्रमित करके और अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते आना होता है। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, जहां पर सबसे बड़ी समस्या होती है उसके बारे में आप जानिए। लंग्स के अंदर सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये साधारण सेल्स नहीं होते, इनमें सीलिया लगे होते हैं, और ये जो सीलिया है ये इस तरीके से लंग्स में कोई भी चीज होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इनका काम ही यही होता है कि वो जो छोटे छोटे से रेशे हैं, ये कोई भी सामान होता है तो इसको ये वाला जो सीलिया है ये आगे फेंक देता है, फिर ये वाला जो सीलिया है इसके पास में ये सामान आता है, ये इसको और आगे फेंक देता है, और इस तरीके से धीरे धीरे करके वो शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे खरखराहट आप करते हैं ना, तो वो नीचे से सारा का सारा जो चीजें हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आ रही होती हैं, और इसके अंदर, यहां से तो आपने खरखराहट करके निकाल दिया, मगर लंग्स से लेकर यहां तक आने का जो काम है ये सीलिया ही करते हैं। कोरोना वायरस क्या करता है, वो इन सेल्स को बर्बाद कर देता है, ये सीलिया जो होते हैं वो उससे निकल के अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल वो काम नहीं कर पाते जो काम ये करना चाहते हैं। तो देखिए, ये वाले जो सीलिया हैं और ये वाले जो सीलिया हैं ये यहां से हट जाते हैं, लीजिए ये हट गए यहां से, और ये यहां से हट के यहां पे आ जाते हैं, मतलब ये यहां से निकल के और बाहर चले गए। अब ये जो सेल हैं, इन सेल्स के ऊपर कुछ भी सीलिया नहीं है और ये अब बिना काम के हो गए हैं, यानी कि वो जो सेल हैं जो कि सीलिया के फंक्शन, यानी कि सीलिया झाड़ू की तरह होता है, इस तरीके से सामान को आगे फेंक रहा होता है, वो काम ही नहीं कर पा रहे जिस काम के लिए वो है। तो वहां पर सारी की सारी चीजें इकट्ठी होनी शुरू होती है। तो यहां पर ये देखिए, ये सामान जो है वो यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो रहा है, जो कहीं जा नहीं पा रहा, और धीरे धीरे ये जो बाकी जो सेल्स हैं ये भी संक्रमित होते जा रहे हैं। ये सब इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इन्फेक्शन हर जगह फैल जाता है। लीजिए, हम यहां पर थोड़ा इन्फेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है ये हर जगह फैल गया है, जिसकी वजह से ये जो परत है
ये परत मोटी होती जा रही है, लंग्स की परत मोटी हो जाती है और साथ ही के अंदर वो जो कचरा है उसके अंदर फंस गया, उसको साफ नहीं कर पाती, तो कचरा वहां पे जमा होने लग जाता है। तो कोरोना वायरस ने देखिए क्या कर दिया है, उसने आधे से ज्यादा जो लंग्स हैं इसके अंदर किसी तरीके से इन्फेक्शन करके और ये इन्फेक्ट कर दिया है और ये अब मोटे होते जा रहे हैं। और क्योंकि इसके अंदर जो लंग्स के अंदर जो कचरा है वो यहां से नली से होते हुए बाहर खरखराट करके नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो यहां पर और जमा होता जा रहा है। तो इस समय शरीर को क्या करना चाहिए और इम्यूनिटी सेल्स क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और सेल्स जो इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं वो उस वायरस के खिलाफ और साथ ही के अंदर वो जो कचरा वहां पे फंस गया है, जो इन्फेक्टेड कचरा है, उसके खिलाफ धावा बोल देते हैं। देखिए ये जो हरा पोर्शन है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और ये जो मोटी परत है जो सेल्स की अब बढ़ती जा रही है, इसके अंदर सेल्स के साथ में ये संक्रमण यानी कि ये वायरस भी हर जगह मौजूद है। तो शरीर के डिफेंस सेल्स यानी कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो सेल्स होते हैं, जो कि योद्धा सेल्स होते हैं, कहीं भी जाके संक्रमण को मारते हैं, वो देख रहे हैं कि सामने वाला जो सेल है उसके ऊपर भी वायरस का वो कण मौजूद है, तो वो वायरस और उस कण के विरुद्ध हमला बोल देते हैं और हर जगह मारकाट मचाना शुरू कर देते हैं। शरीर उसका मुकाबला तो कर ही रहा है, जिन सेल्स के अंदर वायरस घुस गया है उसको तो वो मार ही रहा है, मगर जो सेल्स फट गए हैं जिसके ऊपर वायरस के निशान बाकी हैं, ये हमारे ही शरीर के योद्धा सेल्स उनके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर वायरस के सिम्टम है और उसके साथ में भी मारकाट मचा देते हैं। पूरा का पूरा शरीर लंग्स के खिलाफ हो जाता है। इस सिम्टम को कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी कि शरीर पहले से ही परेशान है, लंग्स पहले से ही परेशान है और जो शरीर के योद्धा सेल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर अपने दूसरे सेल्स, इंफेक्टेड नॉन इंफेक्टेड सेल्स, सबको मारना शुरू कर देते हैं और उनको समझ नहीं आता है। मतलब शरीर ही अपने खिलाफ हो जाता है, अपने ही ऑर्गन के खिलाफ हो जाता है। ऐसा होता है कोरोना के वजह से। तो इसी चार्ट पे हम दोबारा आ जाते हैं। ये जो 5% केस है यहां पर इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, यानी कि जिन्हें क्रिटिकल केयर की जरूरत है, जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है, मगर फिर भी जो 95% केस हैं उन्हें इन सब की जरूरत नहीं होती और 80% केसेस के अंदर तो ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ऑक्सीजन लगाने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पर यह समस्या नहीं आती कि शरीर ही शरीर के खिलाफ नहीं हो रहा होता। तो ये जो 5% लोग हैं इसके अंदर भी 1% लोग और बच जाते हैं, फिर भी 3-4% तक का इस समय तक रेट आ रहा है जो बच नहीं पाते और उनकी डेथ हो जाती है। फिर भी ये आंकड़ा अगर आप देखें तो 100 से जाकर और 3 के ऊपर जाकर अटकता है, यानी 100 में से 80% केस तो 1-2 दिन के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में ठीक हो जाते हैं, जिनको डॉक्टर्स केयर मिल जाती है, जिनको खान पान हल्का फुल्का रखते हैं और भी कई सारी चीजों को देखते हैं। उसके अलावा भी 15% जो लोग हैं उनको इंटेंसिव केयर देने के बाद में वो भी ठीक हो जाते हैं और उसके अलावा भी क्रिटिकल केयर के अंदर हैं उसमें से भी काफी सारे ऐसे मरीज हैं जिन्हें डॉक्टर मौत के मुंह से निकाल लाते हैं। ये सारी समस्याएं day 7 से लेकर और day 14 तक हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही फटाफट हो जाता है और day 14 के अंदर 3% तक जो मरीज हैं वो बच नहीं पाते और वो खत्म हो जाते हैं, मगर साथ ही 97% तक बच जाते हैं और जिसमें से कुछ तो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं और बाकियों को इलाज चल रहा होता है। अब 80% को तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि उनका शरीर बहुत ही बड़ी परेशानी में है, मगर फिर भी मरने से वो बेटर हैं। और उसके बाद भी जो लोग बचते हैं उनके लंग्स के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब जो लंग्स के कई हिस्से हैं वो कोरोना होने के बाद में उसके अंदर छेद हो जाते हैं अलग अलग, और वो जो छेद हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो ठीक नहीं होते। कई सालों में जाके थोड़ा बहुत लंग्स अगर रिकवर कर जाए तो कर जाए। तो देख लीजिए day 1 इन्फेक्शन वाले दिन से शुरुआत हुआ था, उसके बाद में सिम्टम्स आने में भी उसको 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए थे, इस समय तक वो इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन फैला रहा था। पहले दिन से चलते हुए day 7 पर आके उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया था, मगर फिर भी कुछ ऐसे % लोग भी हैं जिनको पॉजिटिव होने तक बुखार नहीं आया था। मतलब ध्यान देना इस बात को, 40% लोग ऐसे थे जिन्हें पॉजिटिव पाए जाने तक बुखार नहीं आया था, मगर एडमिट होने के बाद के अंदर उनको, क्योंकि वो स्टेज के अंदर थे, उसके बाद उनको बुखार आया। यानी कि जरूरी है कि सिम्टम आए तो आपको अपनी जो है वो रक्षा करनी है और डॉक्टर के पास में जाना है, मगर सिम्टम नहीं आते हैं फिर भी आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो अलग अलग चीजें हैं सरकार ने बता रखी है उनका पालन करते रहना है, क्योंकि पता नहीं है 4 दिन बाद में आपके साथ में
क्या होगा। हर रोज हमारी जानकारियां बढ़ रही हैं कोरोना के प्रति और नई जानकारियां आ रही हैं। आपको घबराना नहीं है, मगर जितनी सारी की सारी चीजें आपको सरकार बता रही है उसका पालन करना है। और यह भी ध्यान रखना है कि हर कोई नहीं मर रहा है इससे, मगर फिर भी कौन मरेगा कौन बचेगा इसका पता नहीं है। आपको अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए सावधानी ही बचाव है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।